नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे, आपको किसी मामले में आपने किसी व्यक्ति पर मुकदमा किया है, कोर्ट ने आपके पक्ष में कोई आदेश दिया है, मगर सामने वाला उस आदेश को मानने को तैयार नहीं है, या कोर्ट ने आपके पक्ष में कोई निर्णय दिया है मगर सामने वाला उस निर्णय को मानने को तैयार नहीं। इस प्रकार आपके पक्ष में कोई निर्णय आदेश तो आ गया है मगर आपको कोई राहत नहीं मिल रही, क्योंकि सामने वाला उस निर्णय आदेश को मान ही रहा है। तो आप उस निर्णय या आदेश को किस प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर लागू करें, यह इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको जान लेना है, देखो दोनों तरीके अलग अलग हैं। मैं दो शब्द बोला था, एक तो आदेश, एक बोला था मैं निर्णय। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आदेश है या निर्णय? अब आदेश या निर्णय में एक जनरली आपको कैसे पता चलेगा, अपन कोई भी कार्रवाई करते हैं, किसी कोर्ट से कोई भी कार्रवाई चाहते हैं, तो जिसका जो फाइनल निर्णय होता है उसको बोलते हैं निर्णय। और फाइनल निर्णय से पहले कोर्ट से कोई भी आदेश लेते हैं उसको आदेश ही बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो एक खेत है, अब आपके पक्ष में किसी ने लिखा पढ़ी कर दी, तो आप चाहते हो वो लिखा पढ़ी के आधार पर आपके नाम पर दर्ज हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मुकदमा। और जब तक आपके नाम पर नहीं हो तब तक उस खेत को वो व्यक्ति नहीं बेचे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र पे जो निर्णय होगा वो आदेश कहलाएगा एक तरह से, और मुकदमे में जो फाइनल निर्णय होगा उसको निर्णय कहते हैं। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि आपके पास क्या है, आदेश है या निर्णय, आदेश की कार्रवाई अलग होगी या निर्णय की कार्रवाई अलग होगी। आदेश यानी कि आपका मुकदमा कोर्ट में अभी चल विचाराधीन है, पर उस कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जब तक उस मुकदमे का फैसला नहीं होता है तब तक सामने वाले व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य नहीं करने का आदेश देते हैं। यानी आदेश के कितने प्रकार होंगे, दो, कोई कार्य करने या कोई कार्य नहीं करने। कोई कार्य करने जैसे क्या, कि मान लो ये खेत है, तो इस खेत पर आने जाने से आपको नहीं रोके या नहीं करने का आदेश दे दिया। या कोई कार्य करने का, जैसे करने का आदेश क्या दिया, किसी जमीन का कब्जा है कि जब तक आप ये कब्जा है तब तक आपको कब्जा सुपुर्द कर दे फैसला होने तक, तो ये क्या हो गया, कार्य करने का और कार्य नहीं करने का दोनों प्रकार के आदेश हो गए। तो यानी कि आदेश नेगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव भी आ सकते हैं, मगर आपके पक्ष में ही होगा। अब आदेश किस किस के विरुद्ध आ सकता है, जरूरी नहीं कि मुकदमा करने वाले के विरुद्ध आए, सामने वाले के विरुद्ध आए, कभी कभी मुकदमा करने वाले के विरुद्ध भी आ सकता है, वादी के विरुद्ध भी आ सकता है, कभी कभी प्रतिवादी के विरुद्ध भी आ सकता है, या कभी कभी सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध भी आ सकता है, सरकार के विरुद्ध भी आदेश आ सकता है। अब आपके जो आप अगर वादी हैं और आपके पक्ष में आदेश आया और आप चाहते हो कि मुझे मेरा जो आदेश आया उसकी पालना नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, जिस कोर्ट ने आदेश दिया है उसी कोर्ट में आवेदन करना है। ठीक है, जैसे आपका एसडीओ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अपने एसडीओ कोर्ट की बात करें कि भाई मेरे नाम पर जमीन कराई जाए, मुझे रास्ता दिया जाए, वो रास्ता नहीं दे रहा है, तो उसी कोर्ट में आवेदन करना है। उसी कोर्ट में आवेदन किस में करना है, आदेश 39 नियम 2A CPC, CPC ए बुक का नाम है, सिविल प्रक्रिया संहिता, उसके तहत आपको आवेदन करना है। ठीक है, पूरे भारत में ये एक ही नियम है, सब पे लागू है, आपको ये नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आदेश आपको दिया है उसकी तो एक प्रति प्लस उसकी पालना नहीं कर रहा है उसके बारे में सबूत, सबूत क्या होंगे, गवाह हो जाएंगे या कोई फोटो हो गया, मौके पे जाने नहीं दे रहा, मौके पे कोई निर्माण कर दिया है, मौके पे कोई दीवार बना दी है, तो उसके फोटो, तारीख वाइज फोटो और दो गवाह, और ये आदेश की प्रति उस कोर्ट में पेश करनी है। तो कोर्ट क्या करेगी, सामने वाले व्यक्ति को बुलाएगी, ठीक है जी, उसका मुकदमा मूल चल रहा है तो उसी में तारीख पेशी साथ साथ देकर उसको बुलाएगी, भाई आपने क्यों किया, वो मना करेगा तो आप आपके सबूत पेश करोगे, तो आप आपकी बात सिद्ध कर पाओगे। जैसे आपकी बात सिद्ध हो गई, सामने वाला कोर्ट क्या करेगी, फिर अपने स्तर पर उसकी पालना कराएगी, जैसे रास्ता नहीं है तो जेसीबी से रास्ता खुला देगी, कब्जा नहीं है तो पुलिस के जरिए कब्जा दिला देगी, कोई निर्माण कर दिया तो निर्माण को तोड़वा देगी, और वो व्यक्ति नहीं मान रहा उसको 3 माह की जेल का प्रावधान, उसको 3 माह जेल में डाल दिया जाएगा। अब इस मामले में आपका प्रश्न होगा कि भाई सर इसमें कितना समय लग जाएगा, पहले निर्णय में बहुत समय लग गया, तो जो कंटेम्प्ट की जो कार्रवाई होती है, आदेश नहीं मान लेंगे उसको कंटेम्प्ट की कार्य, कोर्ट कंटेम्प्ट की कार्य बोलते हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, उसमें 6 माह से 8 या 10 माह तक मान लो
खर्चा कितना आएगा वही वकील साहब जो आपको आदेश में जो पहले जो कर रहे हैं उनको आपको देना चाहिए काम, क्योंकि उनका मैटर उनको पता है, नया एडवोकेट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं। जो भी आएगा लगभग 5,000 से 10,000 रुपये तक का इसमें कुल खर्चा आ जाएगा। अब आपके मन में होगा कि सब ये जो आदेश है क्या इस आदेश से हमारा काम हो जाएगा? हाँ जरूर हो जाएगा, पर कब नहीं होगा? मान लो आपको देखो किसी कोर्ट ने आदेश दे दिया और सामने वाले ने उसकी अपील कर दिया, रिविजन कर दिया, ठीक है, यानी उस आदेश को चैलेंज कर दिया और चैलेंज करने वाले आदेश ने उस पर कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया तो ये कोर्ट उसकी पालना नहीं कराएगी जिस कोर्ट ने आदेश दिया। मगर उसने अगर अपील किया, रिविजन कर दिया, पर सामने वाले मतलब जो उच्चतर न्यायालय है उसने कोई स्टे नहीं दिया है तो आप उस आदेश की पालना कराने के हकदार रहेंगे। इसी प्रकार के आपके कोई अन्य प्रश्न हो तो मेरे ये जो नंबर लिखे हैं इन पर आप प्रत्येक संडे को 7 से 8 बजे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अर्जेंट काम है तो 500 रुपये की आपके पास कोई भी गौशाला है वहाँ पर रसीद कटवा उसी व्हाट्सएप को भी मेरे मोबाइल पर भेजिए, मैं फ़ोन मेरी तरफ से आएगा। तो मैं हूँ एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल उदयपुर राजस्थान से। वीडियो पसंद है लाइक करें, थैंक यू।